स्टॉक विदाउट मी आपका स्वागत है सर। मैं आज आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो जिसकी प्राइस 50 रुपए से कम है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मैनिफेस्टो दिया है जिसमें 9 थीम्स उन्होंने दी हैं, तो उसमें उनकी ये प्रमुखता से ये थीम उसमें शामिल है और वो थीम है टूरिज्म की सर। तो टूरिज्म में ये जो उन्होंने हमें शेयर लेके आया हूँ वो जिसकी प्राइस 50 रुपए से भी कम है। देखो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि होटल लाइक इंडियन होटल्स और अदर लार्जर प्लेयर्स, अब इसमें टूरिज्म में होटल्स भी आएंगे ठीक है, और भी इंडस्ट्री आएंगी। अब उसमें से जो मैं होटल का शेयर तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन उसमें जो शेयर लेके आया हूँ वो उसको आप देखते हैं, उसके थोड़ा चार्ट की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चार्ट पे देखेंगे, पहले उसके फंडामेंटल देखेंगे। और शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर ठीक है सर। तो इजी, हाँ सर, इजी ट्रिप प्लानर शेयर है जो, इजी ट्रिप प्लानर देखते हैं उसके चार्ट पे बाद में चलेंगे, पहले उसका फंडामेंटल देखते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है सर। और इसके बाद मैं ये और बताऊंगा कि इससे आप थोड़ा ये जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जो होती है उसमें थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत आती है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो और वो स्विंग ना कह के उसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी है और ट्रेडिंग भी है। अगर आपके पैसे बन जाते हैं तो आप उसमें निकाल दो और कोई रिस्क नहीं होता इन कंपनियों में। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी में कैसे, उसके बाद एक आध कंपनी और लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप इजी ट्रिप प्लानर को ही देखते हैं, जैसे कंपनी जरा फंडामेंटल पर नजर डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। देखिए मार्केट कैप इसका 7,903 करोड़ का है, करंट प्राइस की 44 रुपया 60 पैसा है, हाई इसने लगाया 54 रुपया का और लो इसका 37 रुपए का है। स्टॉक का पी 47 है, बुक वैल्यू 3.46 है, डिविडेंड यील्ड आरओसी आरओई देखिए इसकी जबरदस्त है 54.6 और आरओई देखिए आप 46.9, 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। और देखिए पीजी रेशियो 0.46 है, 1 से कम होना चाहिए। इंडस्ट्री पीई देखिए आप 46 है। अब इंडस्ट्री पीई के मुकाबले इसका स्टॉक का पी कितना है, 47 है, तो लगभग ज़्यादा महंगा भी नहीं है स्टॉक, बहुत ही सही प्राइस पे मिल रहा है आपको, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है। और इसकी सेल्स देखिए आप, क्वार्टरली सेल्स वगैरह ये देखिए, क्वार्टरली प्रॉफिट है, डिविडेंड यील्ड है, डेब टू इक्विटी देखिए 0.19 है, मतलब बिल्कुल भी कर्जा नहीं है कंपनी में। तो और हमें चाहिए क्या, रिजर्व देखिए 437 करोड़ का रिजर्व है, और पेट्रो ये स्कोर होता है 5/7 से कम होना चाहिए तब भी, सब सब कुछ अच्छा है। सेल्स ग्रोथ देखिए आप 22.6 की है, प्लेस शेयर प्लेस परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, सेल्स ग्रोथ देखिए 5%, 5 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। तो शेयर देखिए बहुत ही FII DII होल्डिंग भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ है और सारा कुछ अच्छा है। शेयर बहुत ही मजबूत है, कंपनी बहुत ही मजबूत है और ये आपको इस प्राइस पे ये अभी मिल रही है, इस प्राइस पे अभी मिलेगी नहीं, काफ़ी दिनों से ये इस प्राइस पे ही टहल रही है। इसके साथ चार्ट पे लेके हम आपको चलेंगे तब आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, कब कब तक ये इसी प्राइस पे टहल रही है और बहुत इस प्राइस में आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ से आप धीरे 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 करके इसको ऐड करते जाइए। हाँ, अगर जो आप स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग नहीं कह सकते इसमें, आप स्विंग तो 7 दिनों के लिए होती है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है सर ये, तो वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले इसके चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, फंडामेंटल तो बहुत ही मजबूत है, कोई कंपनी में दिक्कत है ही नहीं है ठीक है सर। अब इसके जरा चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए सर इजी ट्रिप प्लानर के हम चार्ट पे अगर आते हैं तो आप इस स्टॉक को देखिए कि लगातार ये लगभग कब से ये चल रहा है आपका, फरवरी 2023 से और ये आपका लगातार अप्रैल 2024 आ गई, लगभग एक सवा साल हो गई, लगभग ये इसी रेंज में टहल रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि जब स्टॉक अपनी एक रेंज में टहलता है तो ये मौका बहुत अच्छा होता है उसको पकड़ने का, स्टॉक को आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात मैंने आपको बताया था पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड लेने का मैं आपको इसमें तरीका बताता हूँ कि देखो, और पता है बहुत ही अच्छा मतलब स्टॉक है, और पोजिशनल ट्रेड ऐसे स्टॉक में ही ली जाती है, मैं आपको बताता हूँ सर, जिन स्टॉकों पे हमें भरोसा हो जाए। अब जैसे इजी ट्रिप प्लानर है और आपका फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान फूड है सर, ये एक रेंज बाउंड चल रहे हैं। ये रेंज बाउंड से मतलब होता है कि एक अपनी इसी रेंज में चल रहे हैं। जैसे ये देखो 53.80 ऊपर गया है और 37.50 नीचे आया, तो सर इसका हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉक यहाँ तक नीचे जा रहा है और वहाँ तक ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि जब ये नीचे आता जाए हम उसको लेते जाएं, जैसे ऊपर चलता जाए हम उसको बेचते जाएं। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी काम करती है अगर आप इसको लेके चलेंगे।
और ये आप तभी कर पाएंगे जब स्टॉकों पे नजर रखेंगे। और तभी मैं कहता हूं कि आप केवल 4 या 5 स्टॉक या 10 या 20 स्टॉक देखिए, और उन स्टॉकों मजबूत स्टॉक आप छांट लो, और उन स्टॉकों में ही आप वो रखिए, नज़र रखिए अपनी कि ये कहाँ तक नीचे आ रहा है और कहाँ तक ऊपर जा रहा है, उसमें ट्रेड लेंगे और बिना रिस्क के आप इसमें पैसा कमाएंगे। बहुत ही मतलब कहते हैं लोग बहुत कि बहुत कठिन है मार्केट, बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है अगर आप उसे दिमाग से लेंगे। हाँ, आप आंखें बंद करके किसी न किसी स्टॉक में पैसा डाल देंगे और फिर कहेंगे बढ़ता नहीं है, तो नहीं बढ़ेगा सर, पैसा नहीं बनेगा। और जब आप सही से देखेंगे कि स्टॉकों पर नज़र रखेंगे और उनमें से एक स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है ईजी ट्रिप प्लानर, जिसमें आप आंख बंद करके जब ये स्टॉक नीचे आता जाए पैसा आप इसमें डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितनी रेट पे चल रहा है, 44 रुपया 60 पैसा रेट पे चल रहा है, ठीक है सर। अब इस रेट पे ये चल रहा है ये स्टॉक, ये देखिए रेंज में जो बनाई है, ये दो लाइनें डाली हैं, तो ये आराम से 53.80 वहां से ये लगभग लौट आता है वापस। जब वहां से वापस लौटता है तो इस रेंज में आप देखिए 44 पे चल रहा है, अभी कितने पे चल रहा है 44 रुपया 60 पैसा। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े शेयर इसमें आप ऐड करते जाइए और नीचे ये 37 तक आता है, तो 37 तक अभी ये जरूरी नहीं यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसमें खबर का भी तड़का लगा हुआ है और मोदी जी ने तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल ही किया है टूरिज्म को, और ये टूरिज्म के लिए ये होटल और टिकट ये सब कुछ प्रोवाइड कराता है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी करके ऐड करते जाइए, और जिसको अगर इसमें ट्रेड लेना है तो अधिक अधिक क्वांटिटी करके ऐड करिए, और ये आपको आराम से 56-52 रुपये तक के टारगेट दिखा देता है। वहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से जब ये ऊपर निकलेगा 56 रुपये से ऊपर निकलेगा, फिर ये आपको बेहतरीन रैली दिखाएगा और फिर आपकी ये पकड़ में नहीं आएगा। तो अभी मौका है, काफ़ी समय से मौका दे रहा है, धीरे धीरे आप इसमें ऐड करते जाइए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड करते जाइए, और ऐड करके आपको ये या तो बीच बीच में अगर अधिक क्वांटिटी ऐड करो तो आप बीच में इसमें जैसे ये 2-4 रुपए का आपको फायदा हो, 5 रुपए का फायदा हो, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करो, वहाँ से निकलते जाइए, आपको बेहतरीन पोजिशनल ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। और ये उसके बाद अगर ये पोजिशनल के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो आप शांति से इसे रखो, बैठो आराम से, ये 71, 72, 70 लगभग 100 तक के टारगेट ये आराम से दिखाएगा आपको, बहुत बेहतरीन स्टॉक है सर ये, 1 साल से चला नहीं है, जब चलने पे आएगा फिर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे करके इसमें आप एवरेज करते रहिए, धीरे धीरे एवरेज करते रहिए, और ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आपको ये पैसा बना के देगा। ठीक है सर, स्टॉक अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।